अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास। और मैं हूं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। एन MCGM प्रेजेंटेशन बाय ऑनलाइन वर्चुअल क्लास, और मैं हूं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश का, द स्काई इज फॉलिंग। स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा लेसन स्टार्ट। वंस देयर वाज अ डियर लिटिल चिकन कॉल्ड चिकन लीकन। शी वाज हॉपिंग अबाउट अंडर अ बिग ट्री व्हेन अ लीफ फेल राइट ऑन हर हेड। एक मर्तबा की बात है, चिकन लीकन फुदक रहा था, हॉपिंग मीन्स फुदक रहा था, कहाँ पर? अंडर अ बिग ट्री, एक बड़े दरख्त के नीचे, और अचानक उसके सर पर एक लीफ, इट मीन्स अ पत्ता, तो उसके सर पर एक पत्ता गिर जाता है। अब आगे क्या होता है? ओ नो, ओ नो, द स्काई इज फॉलिंग, सेड चिकन लीकन। And she started to run. By and by, she met Henny Penny. जब उसके सर पे पत्ता गिरता है तो चिकन लिकन क्या करता है? दौड़ने लगता है। उसे लगता है the sky is falling, कि उसके सर पर आसमान गिर रहा है, और वो oh no करके दौड़ता है। By and by, इस दौरान रास्ते में उसको कौन मिलता है? Henny Penny. She met Henny Penny. आगे देखते हैं। Why are you running, chicken licken? Henny Penny उसको क्या पूछती है? Why are you running? तुम क्यों दौड़ रहे हो? तो chicken licken क्या आंसर देता है? The sky is falling and a piece of it fell right on my head. The sky is falling, आसमान गिर रहा है, and a piece of it, और उसका टुकड़ा, fell, गिर गया, right, सीधा, on my head, मेरे सर पर सीधा उसका टुकड़ा गिर गया। चलिए देखते हैं आगे। Ooh, said Henny Penny, and she too began to run with chicken licken. By and by, they met Cocky Locky. अब चिकन लिकन के साथ में हैनी पेनी भी रनिंग करने लग जाती है। Why are you running, chicken licken and Henny Penny? अब कॉकी लॉकी क्या पूछता है इन दोनों से? Why are you running? कि तुम दोनों क्यों दौड़ रहे हो? The sky is falling, a piece of it fell right on chicken licken's head. हैनी पेनी आंसर क्या देती है? द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है, और आसमान का टुकड़ा सीधा चिकन लिकन के हेड पर गिर गया। ओ डियर सेड कॉकी लॉकी, एंड ही टू बिगेन टू रन विद देम, और कॉकी लॉकी भी उनके साथ में दौड़ने लग जाता है। बाय एंड बाय, दे मेट डकी लकी। ना हुम दे मेट? Yes, they met Ducky Lucky. अब उन्हें Ducky Lucky मिलती है। Ducky Lucky भी उनसे पूछती है, Why are you running, chicken licken, Henny Penny and Cocky Locky? Ducky Lucky भी वही क्वेश्चन पूछती है कि तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो? The sky is falling, a piece of it fell right on chicken licken's head. उसको वही आंसर मिलता है, डियर मी सेड डकी लकी, एंड शी टू बिगेन टू रन विद देम। अब डकी लकी भी उनके साथ में रनिंग करने लग जाती है। अब आगे क्या होता है? बाय एंड बाय, दे मेट गुस्सी पुस्सी। ना हुम दे मेट? यस, गुस्सी पुस्सी है ना। अब चिकन लिकन, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी एंड डकी लकी आर रनिंग, तो उन्हें अब रास्ते में कौन मिलता है? गुस्सी पुस्सी। Why are you running, चिकन लिकन, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी एंड डकी लकी?
Now this is गुसी पुसी. गुसी पुसी भी उन्हें सेम क्वेश्चन पूछती है कि why are you running? तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो? तो अब उसे क्या आंसर मिलता है? Yes, the sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. उसे गुस्से पुसी को वही आंसर मिलता है कि आसमान गिर रहा है और आसमान का टुकड़ा सीधा चिकन लिकन के हेड पे गिर गया. When गुस्सी पुसी heard this, she began to run with them without saying a word. अब क्या होता है, गुस्सी पुसी भी कुछ भी कहे बिना उनके साथ में रनिंग करना स्टार्ट कर देती है. Now who are running? Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Lucky and Gussy Pussy are running together. Now let's see what happened next. Oh no! By and by they met Foxy Loxy. Now whom they met? They met Foxy Loxy. Here is the Foxy Loxy. Now see, why are you running? Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Lucky and Goosey Pussy. अब उनको वही आंसर देते हो, क्वेश्चन पूछता है Foxy Loxy कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो. आंसर क्या मिलता है? The same. The sky is falling and a piece of it fell right on Chicken Licken's head. है ना, आंसर उसको वही मिलता है. Now Foxy Loxy was a cunning fellow. Foxy Loxy कैसा है? A cunning fellow. एक चालाक इंसान, चालाक जानवर है. तो वो क्या बोलता है? Don't worry, he said, I will take you all to a safe place. Don't worry, फिकर मत करो. I will take you, मैं तुम सबको लेकर जाऊंगा. कहाँ? A safe place. Safe it means महफूज, place means जगह. एक महफूज जगह लेकर जाऊंगा. किन किन को लेकर जाऊंगा? Yes, Chicken Licken को, Henny Penny को, Cocky Locky को, Ducky Lucky को एंड गुस्सी पुसी को. अब देखते हैं आगे क्या होता है. चलिए, he took them all to his cave. वो कहाँ पे उनको लेकर जाता है? उसकी केव में. दिस इज अ केव. ये पत्थर की गार होती है जिसमें शेर और लोमड़ी वगैरह रहते हैं ना. This is a cave. तो उनको सब कहाँ लेके जाता है Foxy Loxy? Cave में. क्या कहता है? Go inside my cave. Go जाओ, inside अंदर, मेरे cave में अंदर जाओ. And you will all be safe. He told them. वो क्या उनको कहता है? कि आप मेरे cave में जाओ, वहां पे आप safe रहोगे. So In went Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Lucky and Goosey Pussy. अब क्या होता है? ये सब के सब Fox की केव में चले जाते हैं. Now see what next. Now ha ha ha, Foxy Loxy said, You foolish creatures, I have caught you all. Foxy Loxy तो cunning fellow था ही, चालाक था. तो वो क्या बोलता है? You foolish creatures. Foolish यानी बेवकूफ, है ना, बेवकूफ. अब मैंने आप सबको पकड़ लिया. Caught means पकड़ लिया. किन किन को पकड़ लिया उसने? Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Locky, टकी लकी एंड गुसी पुसी को. वो सबको पकड़ लेता है. नाउ हेल्प हेल्प, चिकन लिकन एंड हर फ्रेंड्स बिगिन टू शाउट. शाउट यानी चीखना. अब ये लोग डर जाते हैं और चीखना शुरू कर देते हैं. हेल्प हेल्प, मदद मदद.
चलिए, डॉग के डियर हर्ट देयर शाउट, उनकी आवाज कौन सुनता है? डॉगी डियर ना, ही इज द डॉगी डियर। ही रैन टू द केव, वो क्या करता है? दौड़ता रहता है केव के पास और बोलता है, बीवेयर फॉक्सी लॉक्सी, ही शाउटेड, हियर आई कम। बीवेयर खबरदार फॉक्सी लॉक्सी, अब मैं आ गया हूँ, हियर आई कम। एंड देन क्या होता है? देन द फॉक्सी लॉक्सी बिगिन टू रन विदाउट सेइंग अ वर्ड। ही रैन फार अवे। When the doggy deer, doggy deer comes, जब doggy deer आता है, तो foxy loxy क्या होता है? देखो, डर के मारे भाग रहा है। The foxy loxy is running, है ना? वो running करके बहुत दूर, far away चला जाता है। और chicken licken, henny penny, cocky locky, ducky lucky और गुसी पुसी की जान बच जाती है और वो happy happy रहने लगते हैं। है ना बच्चों? आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस स्टोरी में के कुछ वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। ओके, यही आर द सम मीनिंग्स ऑफ द हार्ड वर्ड्स। कॉट यानी पकड़ा गया, कनिंग मीन्स चालाक, फुलिश बेवकूफ, क्रिएचर्स मखलूक, है ना, इंसान अल्लाह ने बनाई हुई, इंसान जानवर परिंदे कीड़े मकोड़े ये सब अल्लाह की मखलूक है, दे आर ऑल क्रिएचर्स। शाउट चीखना, केव गार, सेफ महफूज, प्लेस जगह, इनसाइड अंदर की तरफ, पीस यानी टुकड़ा। ठीक है, चलिए नाउ आगे देखते हैं। Now student, here are the some opposite words. कुछ इस लेसन में अपोजिट वर्ड्स आए हैं, हम पहले उन अपोजिट वर्ड्स को देख लेते हैं। फार नियर, फार मतलब दूर, नियर मीन्स करीब। शी ही, शी गर्ल्स के लिए यूज होता है एंड ही बॉयज के लिए यूज होता है। स्टार्ट एंड, स्टार्ट यानी शुरू, एंड यानी खत्म। टेक गिव, टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना। बिग स्मॉल, बिग यानी छोटा, सॉरी बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। गो कम, गो यानी जाना, कम यानी आना। सेफ अनसेफ, सेफ का मतलब होता है महफूज और अनसेफ का मतलब होता है गैर महफूज, है ना। अंडर अबव, अंडर मीन्स नीचे और अबव यानी ऊपर। फुलिश क्लेवर, फुलिश यानी बेवकूफ, क्लेवर यानी चालाक अकलमंद। इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। ठीक है, नाउ दीज आर द अपोजिट वर्ड्स, एक बार हम और देख लेते हैं। फार नियर, शी He, up, start, end, take, give, pick, small, go, come, safe, unsafe, under, above, foolish, clever, inside, outside. ठीक है, चलिए अब इस लेसन में कुछ सिंगुलर प्लूरल्स आए हैं जिसे उर्दू में हम वाहिद जमा कहते हैं, तो चलिए कुछ सिंगुलर प्लूरल्स भी हम देख लेते हैं। Now see, leaf leaves, लीव का मतलब होता है पत्ता और लीव्स यानी बहुत सारे पत्ते, है ना, तो बहुत सारे पत्तों को हम लीव्स कहते हैं, लीव लीव्स। ओके, नाउ सी ट्री ट्रीज, ट्री यानी एक दरख्त और ट्रीज यानी मैनी ट्रीज, बहुत सारे दरख्त। ओके, नाउ हियर पीस पीसेस, पीस यानी टुकड़ा, एक टुकड़ा, और जब बहुत सारे टुकड़े होते हैं तो दे आर कॉल्ड pieces, okay? Now here's creature, creatures, creatures यानी एक मखलूक, इंसान, लेकिन creatures यानी अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूकात। ठीक है,
तो ये हो गए सिंगुलर प्लूरल। फिर से एक बार देखते हैं, लीफ लीव्स, ट्री ट्रीज, पीस पीसेस, क्रिएचर एंड क्रिएचर्स। ओके, नाउ आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क यही है कि आप वर्ड्स मीनिंग और अपोजिट वर्ड्स सिंगुलर प्लूरल्स को आपकी टेक्स्ट बुक नोटबुक में लिखोगे और आपकी टीचर से चेक करवाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही में, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस लेसन को आप अच्छे से रीड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।